आईआईटी गांधीनगर कैंपस, एक तरह से जो अभी जो नए कैंपस बने हैं आईआईटी के, उनमें आप कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो कैंपस बनाए गए हैं उनमें से एक कैंपस है। और इसको एक रेटिंग सिस्टम है जो अपने देश में रेट करता है जो लार्ज डेवलपमेंट या जो कैंपसेस होते हैं उसके द्वारा इसको प्लैटिनम रेटिंग भी मिला है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स, जब इसको शुरू मतलब किया गया था तभी ये बहुत ध्यान में रखा गया था कि हम इस कैंपस को सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, जिसमें हम वाटर कंजर्वेशन, कैसे हम जल संरक्षण करें, कैसे हम ऊर्जा का संरक्षण करें, कैसे हम अपने जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट या जो और वेस्ट, किचन वेस्ट, उन सबको कैसे रिसाइकल करें, रीयूज करें, तो उन सारी चीज़ों को, और कैसे ये कॉम्पैक्ट कैंपस भी बनाया गया है जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैवल ना करना पड़े गाड़ियों से, व्हीकल से, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने में। तो ये सारे फीचर्स ध्यान में रखे गए थे। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसका डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि जिससे कि आपको जो एनर्जी की ज़रूरत है कैंपस को चलाने में वो कम हो जाए। तो उसके लिए आपको बिल्डिंग्स का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, उसमें जो विंडोज़ लगाई गई हैं वो कैसी होनी चाहिए, तो हर जगह, हर स्तर पे कह सकते हैं हम कि ध्यान रखा गया इस चीज़ का कि हमारा कैंपस सस्टेनेबल कैंपस हो। आप लोगों ने जैसे हमने देखा, आपने पानी को लेकर काफ़ी वाटर हार्वेस्टिंग जैसे आपके कैंपस में बहुत है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बने हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी देंगे। तो देखिए, आईआईटी गांधीनगर है जो कि गुजरात में स्थित है, तो वहाँ पे जो एक जलवायु है वो आप कह सकते हैं सेमी एरिड जलवायु है, जहाँ पे वर्षा उतनी ज़्यादा नहीं होती है, राइट। तो उसमें फिर ये सोचा गया कि हम केवल पानी का रीयूज, रिसाइकिल ही ना करें, जबकि हम जो पानी हमको अवेलेबल है वर्षा का जो जल है उसका भी संरक्षण करें। और हमने उसमें कई सारे जल मंडप बनाए कैंपस के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा जिनकी कैपेसिटी है, तो हॉस्टल्स का या और जो रेजिडेंशियल एरिया है उनका जितना भी रूफटॉप वाटर है वो उनमें कलेक्ट होता है। जो रूफटॉप्स में जो पानी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के रूफटॉप में या फिर हमारे जो भी कलेक्ट हो रहे हैं वो सारा आके स्टोर होता है यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर को हम टोटल बोलते हैं जल मंडप। इसका जो अपर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक रिक्रिएशनल प्लेस है जहाँ पे कि बस बैठ सकते हैं और रिक्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इसके नीचे एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है। बेसिकली इसको सिंपल टर्म में बताएं तो एक वेल है, बहुत बड़ा वेल है जिसका कैपेसिटी वहाँ पे लिखा है कि 14 लाख लीटर्स ये स्टोर कर सकता है एक टाइम पे। तो सारा पानी आके इधर स्टोर होता है। इसका जो एंट्रेंस है वहाँ पे है और यहाँ पे स्टेपवेल टाइप का जैसे होता है वैसे स्टेप्स हैं पूरा नीचे तक, ताकि मेंटेनेंस के लिए अगर ज़रूरत पड़ा तो उस स्टेप से हम उसको रीच कर सकते हैं। और सारा पानी जो स्टोर होता है रेनी सीजन में वो समर सीजन में फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट होता है फॉर प्लांटिंग, प्लांटेशन या फिर नॉर्मल पर्पज़ के लिए भी ये पानी यूज़ हो सकता है। तो ऐसे सारे जल मंडप जो हैं पूरे कैंपस में अलग अलग जगह पर हैं। और जितने लोग अंदर रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे फैकल्टी स्टाफ हो, सब लोग जितने रूल्स हैं सारे फॉलो करते हैं। और उसमें ये है कि भाई हमारे यहाँ वेस्ट का कलेक्शन सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। तो एवरी मॉर्निंग अराउंड 7 से 8 बजे के बीच सुबह वेस्ट कलेक्शन वाले लोग आते हैं और उनके पास अलग अलग कलर्स की बिन रहती है। तो उस बिन में हमको जो मतलब गीला कचरा है, किचन वेस्ट है, वो एक में डालना है, दूसरे पेपर, वुड, प्लास्टिक और वो सब दूसरे में डालना है, और ग्लास और ये सब तीसरे में डालना। तो ये सब हॉस्टल से या सारी एकेडमिक एरिया से या फिर जो फैकल्टी की हाउसिंग है, स्टाफ की हाउसिंग है, वहाँ से सारा वेस्ट कलेक्ट होता है। और जो किचन वेस्ट है उसको हम कंपोस्टिंग में, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे उससे कंपोस्ट तैयार हो जाती है, जो कि जितने प्लांट्स हैं कैंपस के अंदर उसमें यूज होती है। जो बाकी बचा वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल कर देते हैं, प्लास्टिक, पेपर और ग्लास, उसको रिसाइकिल कर देते हैं। तो इस तरह से एक तरह से हमारा जीरो वेस्ट भी रहता है, बिकॉज़ हम लोग वेस्ट को क्रिएट करके बाहर फेंक
भेज नहीं रहे, या तो उसको हम रिसाइकिल कर देते हैं या फिर कंपोस्ट बना के रीयूज कर लेते हैं अंदर कैंपस के अंदर लॉन्स में। हाँ जी, हाँ जी। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर बिमल, जैसे आपके कैंपस में हमने देखा है दिन के समय बिजली जलाने की जरूरत नहीं है, तो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो नेचुरल लाइटिंग जो है उससे काफी होती है, बिजली की बचत होती है, वो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि कैसा कंस्ट्रक्शन रहता है कि जिससे बिजली की काफी बचत कर सकते हैं। तो देखिए, बिजली अगर आपने कोई भी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो अगर हम पहले से ही ये ध्यान में रखें कि हमको जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है या जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन और ऑपरेशन करने में उस बिल्डिंग में, तो उसको कम कैसे कर सकते हैं, तो उस तरह से डिजाइन किया गया बिल्डिंग को जिसमें ओपनिंग दी गई ऊपर के हिस्से में, ग्लास लगाए गए जिससे कि लाइट अंदर आती है, फिर एक एक बाल उस पर एक एंगल पे बनाई गई जिससे वो डिफ्यूज हो जाती है और पूरी जगह फैलती है। अच्छा। तो आईआईटी गांधीनगर के जो भी आप कॉरिडोर्स देखेंगे एकेडमिक एरिया में, वो इसी तरह से बनाए गए हैं कि आप दिन के किसी भी टाइम जाएंगे तो आपको उसमें कोई भी लाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट लाइट टाइम। और फिर से वही तीनों प्रिंसिपल फिर से हैं कि कंजर्वेशन, हर ऑफिस में सेंसर्स लगे हुए हैं कि अगर आप मतलब थोड़ा मूवमेंट नहीं करेंगे और सेंसर्स को ये लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है तो अपने आप लाइट्स बंद हो जाती है। अच्छा। हाँ, और अगर अच्छा, कोई जैसे आप मूवमेंट कर रहे हैं या बाहर से कोई तो लाइट्स जल भी जाएगी उसके बाद, तो ये कंजर्वेशन हो गया। तो वी आर मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी है उसको कि कैसे कंजर्व करें एनर्जी को। और उसके बाद इफ़िशियंसी में जब हम बात करते हैं तो जितनी लाइट्स हैं वो LED लाइट्स हैं तो हम इफ़िशियंट हैं। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, फिर हमने पैसिव कूलिंग सिस्टम भी लगा रखे हैं, जैसे स्टूडेंट्स की जो मैस है जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पे पूरा एक बड़ा सा पैसिव कूलिंग सिस्टम लगा है, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है। अच्छा। और गुजरात के बहुत हाई टेम्परेचर में भी अगर आप जाएंगे वहाँ तो आपको लगेगा कि जैसे AC चल रहा है इसके अंदर, वो सारी वो सारी डिजाइन है और उसमें केवल पानी का यूज करके वो लोग कूलिंग करते हैं, ऊपर से गिराते हैं, तो एक पूरा चैम्बर बना के रखा हुआ है। तो इस तरह से जो एनर्जी की संरक्षण है, उसके बाद जब थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन हो गया, फिर एफिशिएंसी हो गई, अब हो गया रीजनरेशन। तो उसके लिए हमने सोलर का काफ़ी सोलर के बहुत सारे सोलर PV जो पैनल्स हैं छतों पे बिल्डिंगों के, या आपने देखा कार पार्क में, मैंने कार पार्किंग पूरी कवर्ड है सोलर पैनल्स से, तो उसके एडवांटेज दो हैं कि आपको शेड भी मिलता है और वहाँ से ही आपको एनर्जी भी मिलती है। तीसरा जो वॉकवे हैं कनेक्ट करते हैं हॉस्टल एरिया को कैंपस एकेडमिक एरिया से, उनके ऊपर भी पूरा सोलर लगा रखा है तो बच्चों को छाया भी मिलती है, वो आराम से आ जा सकते हैं, पानी जब बरसता है तो उतना भीगते भी नहीं है और सोलर एनर्जी भी जनरेट होती है।